أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज जूनियर क्लर्क का पेपर जो कि PPSC के थ्रू हुआ है 8/10/2023 को, उसको सॉल्व कर रहे हैं. इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर अहमद सुकारनो वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ. तो ये आपने याद रखना है कि ये किसके प्रेसिडेंट थे, तो इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट थे. इसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और ये प्रेसिडेंट बने थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आ जाए तो आपने याद रखना है. ये प्रेसिडेंट रहे थे जी 1949 से लेकर 1966 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडोनेशिया के. 1966 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं. और इंडोनेशिया के बारे में आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट आर्किपेलागो है, लार्जेस्ट आर्किपेलागो है. और तकरीबन इसमें कितने आइलैंड हैं, आइलैंड्स के हवाले से अगर 18,000 का ऑप्शन हो तो वो लगाना है. अगर 18,000 का ऑप्शन नहीं है और आपके पास ऑप्शन आप ये आ जाए तो फिर आपने ये लगाना है 17,500 आइलैंड्स इंडोनेशिया में, इसलिए इसे लार्जेस्ट आर्किपेलागो कहते हैं. और आर्किपेलागो क्या होता है ये आप याद कर लें कि आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं. और लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड कौन सा है, इंडोनेशिया है. यहाँ पे चूँकि अहमद सुकारनो की बात की गई, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि 1949 से लेकर 1966 तक एज ए प्रेसिडेंट सर्व करते रहे. नेक्स्ट हमारे पास है एड्स वायरस डिस्कवर्ड इन. ये गूगल पे मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं जो कि मेरी रिसर्च के मुताबिक, जो मैंने काफ़ी सर्च किया है, ये एड्स वायरस जो है ना, यानी HIV वायरस जो एड्स फैलाता है उसको हम कहते हैं HIV वायरस. ये 1983 में डिस्कवर हुआ था. और HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, और एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स का मतलब होता है जी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो एड्स का अगर एब्रिविएशन पूछा जाए कि एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और एड्स वायरस डिस्कवर्ड किया किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट. और हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1883 में ये डिस्कवर हुआ था, 1 दिसंबर को याद रखना है, 1 दिसंबर को आपने याद रखना है एड्स डे मनाया जाता है, एड्स का दिन मनाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अपर हाउस ऑफ जो इंडिया है उसको क्या कहते हैं. अपर हाउस ऑफ इंडिया को हम जातीय, ये याद रखना है कि अपर हाउस ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, राजा सभा कहते हैं. जबकि लोअर हाउस ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं.
इस तरह पूछा जाता है, यूके का पूछा जाता है, तो यूके का भी आपने याद रखना है, अपर हाउस ऑफ यूके, यूके का जो अपर हाउस है उसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जबकि लोअर हाउस को हम यूके के जो होता है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, जबकि पाकिस्तान का अगर पूछता है कि अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान अगर वो पूछता है तो आपने याद रखना है वो सेनेट है, सेनेट है। अगर लोअर हाउस ऑफ पूछता है तो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है। तो ये इस हवाले से, इसके अलावा मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के बारे में भी सवाल आता रहता है, तो जो मशहूर मशहूर सी है, तो जातीय संसद, जातीय संघ साद, ये बांग्लादेश की है, नेसेट ये इसराइल की है, जबकि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट अगर पूछता है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट अगर पूछता है तो वो आइसलैंड की है, आइसलैंड की है और नाम है अल्थिंग। तो ये चंद पार्लियामेंट्स के बारे में पूछता है, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मुस्लिम साइंटिस्ट एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो आपने याद रखना है अल ख्वारज्मी है वो, अल ख्वारज्मी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इसको हम फादर ऑफ अलजबरा भी कहते हैं। आपने याद रखना है अगर सवाल आ जाए कि फादर ऑफ अलजबरा किस शख्सियत को कहते हैं, तो आपने याद रखना है अलख्वाज़मी है, अलख्वाज़मी का तल्लुक याद रखना है। तल्लुक भी पूछे जाते हैं मुख्तलिफ पेपर में, बिलोंग्स, बिलोंग टू पर्शिया, यानी ईरान से आपका तल्लुक है। आपने एक किताब भी लिखी थी, किताबुल जबर, किताबुल जबर आपकी बुक का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो आपने याद रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 सितंबर, 17 सितंबर 1931 को हुई थी, और इसकी फिक्स डेट है 17 नवंबर, 1931 से दिसंबर, यानी 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1931। और 31 में एक शख्सियत की इंतकाल भी हुआ था, वो मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ हुई थी, तो ये लंदन में आपने याद रखना है, तो सेकंड है। तो फर्स्ट का अगर पूछता है तो फर्स्ट आपने याद रखनी है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 12 नवंबर, 12 नवंबर 1930 को हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और 19 जनवरी, 19 जनवरी 1930 को एंड हुई थी। अगर थर्ड का पूछता है तो थर्ड आपने याद रखनी है, थर्ड हुई थी
सेवेंथ 3 नवंबर 1932 से ऑनवर्ड 24 नवंबर 1932 में हुई थी। तो ये है असावकर राउंड टेबल। 17 सितंबर नहीं है, 7 सितंबर है, मज़ीद चेक कर लीजिएगा। तो आपने याद रखना है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक रही थी, जो कि फर्स्ट जो थी वो थी 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1913 में हुई थी, और थर्ड हुई थी 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1930। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने याद रखना है नॉट पार्टिसिपेटेड स्पेटेड कांग्रेस, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था पहली में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुई थी, तो ये आपने याद रखना है कि ये हेल्ड हुई थी लंदन में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि लार्जेस्ट मार्केट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सी है, तो आपने याद रखना है कि ये है शंघाई, शंघाई है, जो कि 7 सितंबर 1960 में कायम हुई, सेटअप हुई 1960 में सेटअप हुई। ठीक है, लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया, तो एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो शंघाई है, जो कि 7 सितंबर 1960 में बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट उसने कब पेश किए थे, उसने पेश किए थे 1966 में, और कहाँ पे, इन लाहौर में, लाहौर में आपने पेश किए थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ बांग्लादेश अगर पूछा जाए तो वो शेख मुजीबुर रहमान है। और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था, सेपरेट इन 16 दिसंबर 1971 में ये अलग हुआ था। पाकिस्तान ने इसे कब तस्लीम किया था, इन 1974 में पाकिस्तान ने इसे तस्लीम किया। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसका एक फंक्शन तो ये होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है। दूसरा इसका जो है, जो दूसरा इसका फंक्शन है कि टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टेम्पोरेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे माइक्रो प्रोसेसर का जो काम है वो क्या करता है, रेगुलेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, चलाता है, रेगुलेट्स ऑल द कंप्यूटर एलिमेंट्स। रेगुलेट्स ऑल कंप्यूटर, रेगुलेट्स ऑल सिस्टम,
इवरेट्स करता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर के क्या काम होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है, प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज करता है और रेगुलेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं उनको रेगुलेट्स करता है, उनको चलाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हार्ट ऑफ, सवाल आ जाए कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो आपने याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर आ जाए तो वो आपने सीपीयू को कहना है, अगर वो हार्ट ऑफ कंप्यूटर पूछे तो वो आपने याद रखना है प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जो प्रोसेसर था वो कब बनाया गया, फर्स्ट प्रोसेसर जो बनाया गया था वो वाज मेड इन 1971 में, ठीक है, और बनाया किसने था, बाई टेड हॉफ, टेड हॉफ ने बनाया था। ठीक है, नेम क्या था ये भी आपने याद रखना है, नेम था इंटेल, इंटेल इंटेल कंपनी थी, वो था 4004। ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था टेड हॉफ ने और इंटेल 14th, ये माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रेंज होती है वो होती है जो 120/80, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, प्रेशर को मापते किसते हैं, सफिग्मो मैनोमीटर है, सफिग मो मैनोमीटर, मैनोमीटर मतलब इसमें आप देख लें, सफिग मो मीटर, मतलब आप कंफर्म कर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट स्टार्टेड इन, नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1920 में, 1920 में, और किसने स्टार्ट की थी, भाई गांधी ने, गांधी ने स्टार्ट की थी। और कॉल्ड ऑफ कब की थी, यानी ख़त्म कब की थी, तो आपने याद रखना, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, कॉल्ड ऑफ आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था जो के फेबरी इन फेबररी 1922 में चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। उसके बाद आपने नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट्स को ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है रेड लेटर डे मीनिंग, तो आपने याद रखना है इम्पॉर्टेंट डे को हम रेड लेटर डे भी कहते हैं, या मेमोरेबल डे, मेमोरेबल डे उसको हम रेड लेटर डे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नूर जहान का जो टॉम्ब है वो आपने याद रखना है वो लाहौर में है, लाहौर में, और कौन कौन से जो टॉम्ब है वो भी आपने याद रखना है कि लाहौर में कौन कौन से टॉम्ब है। तो एक तो है दाई अंगा, ये मुगल बादशाहों की जो नर्स थी, ये बेसिकली ये नर्स थी, इसका एक टॉम्ब है, एक दाई अंगा मॉस्क भी है वो भी लाहौर में है। ठीक है, दाई अंगा का मकबरा है
आसिफ खान, इनका जो टॉम है वो भी लाहौर में है। जो जहांगीर है, एम्पायर जहांगीर, उनका जो टॉम है, एम्पायर जो जहांगीर है उनका जो टॉम है वो भी लाहौर में है। इसके अलावा अनारकली का जो टॉम है, अनारकली का टॉम्ब है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर पूछा जाए उसका टॉम्ब कहाँ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फर्स्ट आपने याद रखना है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक, जो उसके जो फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी लाहौर में दफन है। इसके अलावा जो वह टॉम्ब है मशहूर इलाम इकबाल का टॉम्ब अगर पूछता है, इलाम इकबाल उसका टॉम्ब भी है। ये डिज़ाइन किसने किया था, नवाब यार जंग ने, डिज़ाइन बाई डिज़ाइनड बाई नवाब यार जंग, उसने इसको डिज़ाइन किया था। इसके अलावा हमारे पास हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी, धरी उनका जो टॉम्ब है वो भी, हफीज जालंधरी कौन थे जिन्होंने कौमी तराना लिखा था। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़ का पूछा जाता है, फैज़ अहमद फैज़ इनका टॉम्ब भी लाहौर में। इसके अलावा एक मशहूर शख्सियत है हजरत बीबी पाक दामन, अगर ये सवाल आ जाए कि हजरत बीबी पाक दामन का मकबरा कहाँ है तो वो भी लाहौर में। या इसके अलावा पूरा नाम आता है हजरत बीबी पाक दामन रुकैया, रुकैया बिनते अली, बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हज़रत अली की बेटी थी, रुकैया नाम था, उनका मकबरा भी लाहौर में है हज़रत बीबी। इसके अलावा दाता गंज बख्श, उनका मकबरा भी लाहौर में है। तो नेक्स्ट हमारे पास यह स्ट्रीट इटली फ्रॉम सिसली, जो इटली को सिसली से अलग-अलग स्टेट करती है उसे हम क्या नाम देते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि हम उसे नाम देते हैं मेसिना स्टेट। कौन सी स्टेट, मेसिना स्टेट, स्टेट STRAIT, मेसिना स्टेट कहते हैं उसको, जो कि इटली और सिसली के दरमियान में है। और स्टेट होती क्या है तो ये भी आपने याद रखना है कि स्टेट क्या होते हैं। स्टेट आर नैरो स्ट्रिप्ट होती है, एक चौड़ी पट्टी होती है, नैरो स्ट्रिप्ट, एक नैरो स्ट्रिप्ट होती है जो वाटर की, वाटर जो सेपरेट करती है, सेपरेट नैरो स्ट्रिप्ट ऑफ वाटर सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, जो दो जो खुश्की के खित्ते हैं उनको अलग करती है, ठीक है।
और किसको जोड़ती है? एंड कनेक्टिंग टू, कनेक्टिंग टू बिग सीज, जो दो बड़े सीज होते हैं उनको जोड़ती है, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो जो मेसिना स्ट्रेट है, ये इटली एक लैंड मास है और एक सिसली है, उसको ये अलग करती है। इसके अलावा मशहूर सी जो स्टेट है उनको देख लेते हैं, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसको हम नोन ऑफ, नोन एज पिलर ऑफ हरक्यूल्स भी कहते हैं इसको, पिलर ऑफ हरक्यूल भी कहते हैं। और ये किसको अलग करती है? तो आपने याद रखना है मोरक्को, मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। किस चीज़ को? मोरक्को एंड स्पेन को ये अलग करती है। अगर लैंड जो सीज़ की बात करेगा, तो आपने याद रखना है ये जिब्राल्टर जो है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी, और जो सी है हमारे पास अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। आपने याद रखना मेडिटेरियन सी इंडियन ओशन में वाक़ है, जबकि अटलांटिक जो ओशन है वो खुद ही एक ओशन है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। इनको अलग करती है। एक जो और मशहूर सी है स्टेट है, वो है द स्टेट ऑफ अर्म्स, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ अर्म्स। ये किन के दरमियान है? ये ईरान, ओमान एंड यूएई के दरमियान में वाक़ है, यूएई इनके दरमियान में ये वाक़ है। इसके बारे में जैसे इतना पूछा जाता है। फिर बड़ी मशहूर सी स्टेट है बेरिंग स्टेट, तो आपने याद रखना है बेरिंग स्टेट, जो बेरिंग स्टेट है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को ये अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका को ये अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। इसके बारे में जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं जी स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस बॉस्फोरस, बॉस फोरस, जो बॉस्फोरस स्टेट है वो आपने याद रखनी है यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूरोप को, यूरोप एंड एशिया को ये अलग करती है। और जो अगर सीज की बात करेंगे, तो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी, और जो दूसरा हमारे पास होता है सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा, उनको ये अलग करती है। अगर वो फिर बड़ी मशहूर सी स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी आपने याद रखनी है, वो है मलाका स्टेट, मलाका स्टेट। मलाका जो स्टेट है ये एक तो आपने याद रखना है लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी है इन द वर्ल्ड, यानी लॉन्गेस्ट। तो आपने याद रखना है लॉन्गेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो मलाका स्टेट है। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को अलग करती है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया एंड
इंडोनेशिया को ये अलग कर दिया। अगर ओशन की बात करेंगे तो आपने याद रखना है पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ा ओशन है, और इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को ये अलग करती है। अगर वो जॉर्ज स्ट्रेट की बात करेगा तो आपने याद रखना है जॉर्ज स्ट्रेट जो है, जॉर्ज स्ट्रेट ये अलग करती है मलेशिया और सिंगापुर को, मलेशिया एंड सिंगापुर इनको ये अलग करती है। फिर बाबुल मंदीप स्ट्रेट है, बाबुल मंदीप मंदीप बाबुल मंदीप स्ट्रेट जो है ना, ये आपने याद रखना है इसे हम गेट्स ऑफ टीयर्स कहते हैं, ठीक है, नोन एज गेट्स ऑफ टीयर्स। अगर सवाल आ जाए कि गेट्स ऑफ टीयर किसे कहते हैं तो आपने याद रखना है बाबुल मंदीप स्ट्रेट को हम गेट्स ऑफ टीयर कहते हैं। ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। अगर वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो रेड सी और जो है पर्शियन गल्फ, गल्फ पर्शियन उनको ये सेपरेट करती है। और लास्ट पे हम देख लेते हैं पालक स्ट्रेट है, पालक स्ट्रेट है, पालक स्ट्रेट जो है ना इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में वाक़ है, इंडिया एंड श्रीलंका के दरमियान में वाक़ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह ताला आपको आमीन और पाकिस्तान जिंदाबाद।